प्रदेश भर में 10वीं बोर्ड की परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ है, जिसमें खरगोन की एक बेटी ने अपनी पढ़ाई का ऐसा जोहर दिखाया कि सब देखते ही रह गए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं खरगोन जिले की छात्रा महक की, जिसने 300 में से 296 अंक लाकर अपने परिवार सहित जिले का नाम रोशन किया है। हम आपको बता दें कि महक के पापा साइकिल पंचर जोड़ने का काम करते हैं और मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का लालन पालन करते हैं, लिहाजा गरीबी के हालात से गुजरने के बावजूद महक ने ट्यूशन कोचिंग के बिना 10वीं की परीक्षा पास की है। प्रदेश में 9वीं रैंक पर स्थान पाकर अपनी साख जमाई। परीक्षा परिणाम के आते ही संस्था के शिक्षक और खुद जिला शिक्षा अधिकारी के डोंगरे लड़की के पिता की पंचर दुकान पर पहुंचे और छात्रा सहित उसके पिता को शुभकामनाएं दी। इस दौरान मीडिया से चर्चा में महक ने बताया कि वह अपनी मेहनत और लगन के दम पर डॉक्टर बनकर गरीब लोगों को स्वास्थ्य लाभ देना चाहती है। बहरहाल, महक सहित जिले के एक और छात्रा मानसी यादव ने भी महक से केवल एक अंक कम पाकर जिले का नाम रोशन करके सहभागिता निभाई है, जो वाकई में तारीफ काबिल है। कसरावास से अखिल खान की रिपोर्ट। आज हाई स्कूल का परीक्षा परिणाम आया है और जिले का परीक्षा परिणाम बहुत अच्छा आया है और निश्चित रूप से इसका श्रेय जो है मैं सबसे पहले हमारे इन बच्चों को दूंगा जो इन्होंने बहुत मेहनत करी है। साथ में हमारे कलेक्टर के जो मार्गदर्शन थे वो समय समय पर मिलते रहे और मेरे स्कूल के जितने प्रिंसिपल्स और टीचर्स हैं उन्होंने बहुत मेहनत करी है। मैं पालकों का भी इसमें पूरी भागीदारी मानूंगा, क्योंकि ये स्थान बच्चों के अच्छा परीक्षा परिणाम आना ये पालकों की घर से जो व्यवस्था है उनका बच्चों के साथ जो देखभाल है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये दो बालिकाएं जो है इन्होंने जिले का गौरव बनाया है। ये बालिका यादव इसने जो है जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिले की रैंक है उसमें फर्स्ट रैंक पे आई है। 295 अंक आए हैं, 300 में से केवल 5 अंक कटे हैं, बहुत बड़ी बात है। ये मेरी बिटिया, इसके पिताजी इस दुकान पर काम करते हैं, निश्चित रूप से आर्थिक रूप से संपन्न नहीं होंगे। इस बिटिया ने जो स्टेट की रैंक बनती है जिसमें टॉप 10 स्टूडेंट सिलेक्ट किए जाते हैं, इस बच्ची ने खरगोन जिले का नाम वहाँ रोशन किया है और स्टेट की रैंक में इसने अपना स्थान पाया है। निश्चित रूप से ये दोनों बालिकाएं इस जिले का गौरव है, और भी बच्चे हैं इनके साथ लेकिन ये बच्चियों ने बहुत मेहनत करी है। मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, इनके पेरेंट्स को शुभकामनाएं देता हूँ, इनके जो स्कूल के मैनेजमेंट हैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ और इनके माध्यम से अन्य बच्चों को अनुरोध करता हूं, उनका उत्साह वर्धन करता हूं कि वो भी भविष्य में इन बच्चों का अनुसरण करके खूब पढ़ाई करें और अच्छे अंक लाएं, क्योंकि विद्यार्थी जीवन में पढ़ना ही सब कुछ है, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। मैं अंत में पुनः इनकी इतने उज्ज्वल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं ज्ञापन करता हूँ। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? और आपका? महक खान। तो आपको पढ़ते वक्त लग रहा था कि क्या आपने इस रैंक पे हो गया, टारगेट लिया था कि? जी सर, हमने टारगेट लिया था, इतना तो भरोसा था कि मतलब करेंगे, खुद का कॉन्फिडेंस था, बट इतना नहीं बना था कि एमपी में आ जाएंगे। टेस्ट तक हमने सोचा था बट एमपी का नहीं सोचा था। एमपी में 7 नंबर का नहीं सोचा। कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत अच्छा फील हो रहा है। आगे क्या क्या उम्मीद है आपको, क्या चाहती है आगे? आगे मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। नाम बताइए। बेटा, आप जानते हैं कि पढ़ाई में आपके पापा जो है वो मदद कर पाते हैं आपकी, क्योंकि आर्थिक रूप से काफी पिछड़े हुए, तो हाँ, आर्थिक रूप से हमको वही सर हमारे स्कूल के डायरेक्टर से उन्होंने भी हमको बहुत सपोर्ट किया है और मैं बहुत थैंकफुल हूँ उनके लिए, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। बेटा, आपका क्या नाम है? मानसी यादव। आप उनसे सिर्फ एक अंक ही कम है आपको, आप क्या बताएंगे, आपका क्या सपना, आगे क्या करना चाहती हैं? जी, हमें जानना चाहते हैं कैसे होगा। ठीक है, हम भी आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।